बुधवार को धनबाद जिला के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित हिंदुस्तान ढाबा में जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़े, जिसमें 8 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गंभीर रूप से जख्मी 8 व्यक्तियों को साहू बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। जख्मी मोहम्मद आलम अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान ढाबा के बगल में हमारे जमीन पर हिंदुस्तान ढाबा के लोगों द्वारा बांस गाड़कर जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। विरोध करने पर होटल मालिक व होटल स्टाफ के द्वारा सफल कुल्हाड़ी तथा लोहे के सरिया से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इधर होटल के मालिक ने बताया कि जमीन हमारा है, अपने जमीन पर काम कर रहे थे। दूसरे गुट के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी। थाना में शिकायत किया गया है, परंतु थाना वाला भी केस को आगे नहीं भेज रहे हैं। सीओ का जमीन संबंधित कागजात हमारे पास है। करीब 15-20 लोग आकर कार्य को विरोध करने लगे, जिसमें हमारे तीनों बेटे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इधर घटना के बाद तोपचांची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। अपना एक तो छोटा दुकान किया हुआ है, चिप्स उप्स का, वहीं पर था। तो उन्होंने खबर किया मोहम्मद अशरफ कि वहाँ पर बांस गड़ रहा है। मेरा जमीन में मोहम्मद सलाम अंसारी का लड़का बांस गड़ रहा है। हाँ, तो वही मोहम्मद तसुद्दीन किया मना करने के, तब वहाँ सब्बल से मारा उसका हाथे पर। तब उन्होंने खबर किया यहाँ वहाँ, तो हम तो सैलून में थे, तो वहीं से हम आ गए हड़बड़ा के। इन लोग भी आया हड़बड़ा, क्या हुआ? तब तक तो उन लोग अपना तैयारी में था, होटल का स्टाफ इन लोग सब बोला फुल पावर में था। और बस जब वहाँ गए जो कहाँ गड़ रहा था, कहाँ क्या कर रहा, सब ये कर दो, बस आके मारना शुरू कर। किस चीज़ से हमला जो किया, किस चीज़ से किया? हाँ, चीज़ से किया हमला जो मारा आप लोगों को? हाँ, भी था रड भी था और लाठी भी था, कुल्हाड़ी था, ज्यादा कुल्हाड़ी था, उसी से कटा है सबका। यहाँ पे कटा है, यहाँ कटा है, आगे लेकर के भी से वही कुल्हाड़ी और रड था। कितना आदमी आपके तरफ घायल है? ये लोग दबंगी कर रहा है कि जमीन आपका नहीं है, जब पूरा कागज सीओ के पूरा पेपर है, सीओ भी पूरा हमने लिखित आपको दे दिया, 33 जमीन इसमें है। उसके बाद ये लोग मैंने कब्जा करने दे रहा है, ये लोग रंगदारी मारा, रंगदारी के केस भी किए, थाना वाला भी केस बढ़ा नहीं रहा है। 5 महीना हो गया केस किया हुआ, समझे ना, सब दिया हुआ है, बोल रहे हैं हाँ कि सर को उठाइए, सर को डिसाइड कीजिए कुछ, यहाँ तक बोलिए। हाँ, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं रहा है। इसी बीच में अभी बांस का खुट्टा गाड़ रहे थे, उसी में वो लोग घबराए, बोले कि कहे का बाड़ रहे, बोले मेरा जमीन, आपकी जमीन, तुम्हारा कमरा कागज देखो। कौन का बाड़ रहा था ये? मैंने हमारे खानदान गोतिया लोग, खानदानी क्या नाम था, कौन का बाड़ रहा? उन्हें कल 15-20 आदमी आया, 15-20 आदमी आया। हम लोग 3 आदमी हैं, आप 3 आदमी, हम लड़का लोग को बाहर बोले कि भाई आप खड़े झड़े कुछ करना नहीं, यहाँ सामने मत रहो। लेकिन एक लड़का आ गया, एक लड़का को मार पे, अब उसी बीच में उसको बचाने के चक्कर में आया तो 3 मार खा गया, मार के बुरी तरह से मार खा गया। अब ऐसा हालात हो गया कि अब हमें दौड़ धूप करने वाला भी कोई नहीं है, अब हमारा होटल भी इस परेशानी बढ़ रहा है, वहाँ भी ऐसा कोई स्टाफ नहीं है। जिस जमीन में विवाद है वो पुश्तैनी जमीन है या आपका खरीदा हुआ? खरीदा हुआ जमीन, मैंने खानदानी में हम लोग जमीन है, मैंने मेरे दादा के भी उसके अंश में है। अच्छा। मैंने वही दादा लोग भाई बेटा सबसे बंटवारा हो चुका है, सब सबका बंटवारा हो गया। फिर विवाद क्यों हुआ? जबरन रंगदारी, जब सारा पेपर मौजूद है कि पेपर का आगे कुछ नहीं, कि तो लिखकर क्या वक्त नहीं चलता है, लेकिन मैंने मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अब एक थोड़ा सा बात में पूरा जुट होकर आता है, और आज नहीं कि 4 साल से तबाही तबाही कर रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप थाना को सूचना पहले, थाना वाला का 2 घंटा पहले सूचना दिया, तर बड़ा बाबू मुंशी का पहले भी, इससे पहले भी आप सूचना दे चुके हैं? हाँ, पहले भी सूचना दे दिया, पहले भी मैंने केस भी बना दो, उसके लिए भी कैसे लोग उसको हैंडल कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ करवाइए। कितना व्यक्तियों को चोट लगा हुआ? मैं 3 आदमी के लगा चोट। क्या क्या नाम है उनको? बड़ा का नाम है हिशामुद्दीन अंसारी, उसके बाद गुलाब खजा अंसारी और एहतसाम अंसारी। तीनों आपका बेटा? तीनों बेटा मेरा है। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल सलाम अंसारी। तो क्या हथियार लेके आए? सब डंडा लेकर सब आया था, सब इरादा कर ही कर गए थे लड़ाई करना है, इसीलिए थाना पर एक डंडा पहले से सूचना दे रहे हैं, सर ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब हम लोग दो आदमी 3 आदमी क्या करते हैं, लेकिन वही काम हुआ जो मार खाने के बाद आए, उसके बाद भी ये है वो है, उल्टा उल्टा वो रहा थाना वाले, थाना वाले क्या बताएंगे हम।